तो हाँ भैया, आज की वीडियो होने वाली है आइकन पैक के ऊपर, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ ऐसे टॉप 5 आइकन पैक के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने फोन का लुक काफी हद तक बदल सकते हैं। यदि आपको नहीं पता इन आइकन पैक को कैसे अप्लाई करना है तो वीडियो को एंड तक देखिए, सब पता चल जाएगा। तो जो सबसे पहला आइकन पैक है वो है जूल जैप्स आइकन पैक। इससे आप अपने एंड्रॉयड फोन को काफी ज्यादा सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि ये 10 MB से भी कम साइज में आता है और इसमें आपको 2000 से भी ज्यादा आइकन्स देखने को मिल जाता है, और सारे आइकन छोटे साइज में काफी कलरफुल है, जिसकी वजह से आप अपने फोन को एक नया रूप रंग दे सकते हैं। ये प्ले स्टोर पे 90 रुपए के करीब आता है, लेकिन उम्मीद है मुझे कि आपको पता होगा कि ये कैसे और कहां से आपको डाउनलोड करना है। और जो इस लिस्ट में दूसरा आइकन पैक है वो है कैसील आइकन पैक। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये 5 से 6 MB के करीब में प्ले स्टोर पे बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाता है। और इसमें आपको लो सेचुरेशन वाले 1000 के करीब आइकन्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके फोन को एक नया लुक मिल सकता है। और जो तीसरा आइकन पैक है वो है सैनिकॉन्स आइकन पैक, और ये आपको प्ले स्टोर पे 8 से 9 MB के करीब में 120 रुपए के प्राइस पे मिल जाता है, और इसमें आपको राउंडेड शेप में 800 से भी ज्यादा शेडो इफेक्ट वाला आइकन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसमें आपको 40 अमेजिंग वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है। और जो चौथा आइकन पैक है वो है मियो आइकन पैक। यदि आपने सैमसंग का कोई फोन इस्तेमाल किया है या फिर देखा है तो आपको पता होगा कि सैमसंग के फोन में कैसे आइकन्स होते हैं, उसी तरह के आइकन्स आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है, जो कि करीब 12 MB के साथ प्ले स्टोर पे बिल्कुल आपको फ्री मिल जाता है, और इसमें आपको 1700 से भी ज्यादा आइकन देखने को मिलता है। और जो पांचवा आइकन पैक है वो है सीम आइकन पैक। ये आता है करीब 8 से 9 MB में, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलता है 35 से भी ज़्यादा वॉलपेपर और 2500 के करीब आइकन देखने को मिलता है। इसका प्ले स्टोर पे प्राइस है 40 रुपये, लेकिन इस आइकन पैक का सबसे खास बात मुझे ये लगा कि इसका डिज़ाइन इसका इतना अमेजिंग है कि मैं कहूँगा कि एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब बात करते हैं इनमें से कोई भी आइकन पैक को आप कैसे अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी एक कस्टम लॉन्चर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और उसको एज अ डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेट कर देना है सेटिंग में जाकर, और फिर लॉन्चर की सेटिंग में जाकर आप आइकन को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।